में 10 खबरें देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोन नदी पर स्थित कोइलवर पुल के 3 लेन का उद्घाटन कल केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आज पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी को दूर करने के लिए मंथन कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम में 400 से अधिक कांग्रेसी नेता ले रहे हैं हिस्सा। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों समेत देशभर की कुल 57 सीटों के लिए 10 जून को होगा चुनाव, उसी दिन आएंगे परिणाम। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग की जांच के लिए 3 कमेटी नियुक्त, जले दस्तावेजों की भी जांच होगी। पूर्णिया पुलिस आधुनिकीकरण की नई सुविधा से होगी लैस, महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम में 20 मिनट के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचेगी पीआरवी वाहन। वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक स्मृति संग्रहालय के निर्माण कार्य का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, पटना संग्रहालय में स्थित बुद्ध की अर्थी कलश को वैशाली में किया जाएगा हस्तांतरित। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में दीवार गिरने से 1 महिला की मौत, 3 लोग घायल। गूगल ने मैथिली, भोजपुरी सहित 8 भारतीय भाषा में अनुवाद की सुविधा शुरू की।